इट इज़ डे 8 ऑफ स्पेल चेक। स्पेल चेक का 8वां दिन है ये और हम इसे कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से और पूरा देखिए कि किस तरह से हम जो है स्पेलिंग है पॉसिबिलिटी रहती है, कैसे हम अप्रोच रहती है कि करेक्ट स्पेलिंग को हम क्या करें आइडेंटिफाई करें। तो देखो सबसे पहले जो स्पेलिंग है ये यहाँ पे स्पेलिंग है प्रोफेशन, है ना, प्रोफेशन। तो PRO तो सब में है प्रोफेश। अब प्रोफेशन की स्पेलिंग में यहाँ पर TION नहीं आता, पहली बात, डबल F भी नहीं आता, है ना, प्रोफेशन। और हाँ डबल F नहीं आता पर डबल S आता है, ये सिंगल S यहाँ दिया हुआ, डबल F आता है। अब यहाँ देखिए कि प्रोफेस और प्रोफेशन, प्रोफेसर या फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर जब हम क्या कहते हैं ये जो ई हमारा लगा हुआ है इस कॉन्सोनेंट से पहले, तो ये रूल है ना, तो जब हम इसे डबल कर देते हैं तो क्यों नहीं इसमें डबल एस होना ही होता ही है। तो इसीलिए PROFESSION, तो डबल एस होगा पर सिंगल एस नहीं होगा, डबल एस तो होगा पर डबल एफ नहीं होगा, पर TION वाला नहीं होगा। तो ये हमारी स्पेलिंग करेक्ट फोर्थ वाली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या है, ऑर्डिनेंस, है ना, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। तो कौन सी स्पेलिंग है जो सही है, ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये किससे बना है, ये ऑर्डर से बना है ये वर्ड, ये जो ऑर्डिनेंस वर्ड है ये बना है किससे, ऑर्डर से बना है ऑर्डिनेंस। तो यहाँ देखिए प्लस इसमें ना ENCE ऐड किया है, ऑर्डर है वर्ब और ENCE उसको ऐड करके क्या बना दिया है, इसको नाउन बना दिया है, है ना, ENCE ऐड करके इसको नाउन बना दिया है ऑर्डिनेंस। और देखिए इस बात को पिछले भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ENCE सफिक्स करना है या ANCE सफिक्स करना है। तो देखो जब हम ANCE सफिक्स करते हैं किसी वर्ब के साथ तो वो भी नाउन बनता है, उसी तरह से EN सफिक्स करेंगे, ENCE सफिक्स करेंगे किसी वर्ब के साथ तो भी वो भी नाउन बनेगा। मगर उसमें अंतर क्या होता है फिर, दोनों के अंतर अगर, दोनों के बीच में अगर कुछ अंतर है तो एक जो ANCE हम ऐड करते हैं तो ये जो नाउन बनते हैं ये कुछ एक्शन नाउन बनते हैं, किसी प्रोसेस को बताते हैं, किसी एक्शन बताते हैं किसी चीज़ का। जैसे क्लियर तो क्लियरेंस, तो क्लियर होने का एक्शन हुआ तो क्लियरेंस हुआ, गाइड करने का एक्शन किया तो गाइडेंस हुआ, है ना। तो ये इस तरह के, और उसको क्या कहते हैं, किसी नाउन, वो वैसे नाउन है जिसमें हमें कोई एक्शन को बताते हैं, ठीक है। जबकि ENCE वाला जो है ENCE, तो ENCE सफिक्स करके भी हम नाउन बताते हैं पर वो नाउन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, किसी एक्शन को, स्टेट को, कंडीशन को, क्वालिटी को। तो इस तरह के नाउन वो होते हैं जो कि जैसे कि इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंस, है ना। तो इंडिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस वो स्टेट है, इनोसेंस, एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या है, है ना, तो वो कंडीशन है, क्वालिटी है। तो ENCE दिखा के, लगा के सफिक्स हम किसी क्वालिटी, कंडीशन, किसी स्टेट को बताते हैं, जबकि ANCE लगा के कोई एक्शन के प्रोसेस को दिखाते हैं उस नाउन में, है ना। तो ऑर्डर से ऑर्डिनेंस, तो ये अध्यादेश है, तो इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, ENCE नहीं, इसमें ANCE होगा, इसमें क्या होगा, ANCE ऑर्डिनेंस। तो यहाँ देखिए ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग ORDIAN और ANCE, इसमें डबल एन ये तो नहीं होगा, ऑर्डिनेंस NANCE, इसमें एन तो लग ही रहा है ना, पर डबल एन नहीं होगा और ENCE नहीं होगा, तो ऑर्डिनेंस ORDI, ऑर्डर से बना है ORDI पर आर हट जाता है, इसमें एन लग जाता है, ऑर्डी और फिर ANCE, ऑर्डिनेंस, है ना। तो जो ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो ऑर्डिनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी जो है वो है स्पैरो, है ना। तो स्पैरो की क्या स्पेलिंग है, SPARROW, स्पैरो। तो स्पैरो की डबल आर आएगा, है ना, डबल आर पर ई नहीं आएगा और डब्ल्यू भी आएगा, तो ये हो जाएगी।
नेक्स्ट है, इजी है बड़ी ही, एनर्जी की स्पेलिंग क्या है? तो एनर्जी में आई नहीं आता, जेड नहीं आता और वाई आई भी नहीं यहाँ पर भी आता, तो ये एनर्जी की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, है हो जाएगी क्या, है ना। नेक्स्ट है ह्यूमेबल, कस्टमर, ब्रीचर्स और बुफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमेबल नहीं, ये हम्बल स्पेलिंग है, ए नहीं आएगा। और कस्टमर सी यू एस टी ओ एम ई आर, ये तो सही है, पर ब्रीचेस में डबल ई आएगा, ब्रीचेस में डबल ई आएगा। और जो बुफेंट है इसमें डबल एफ आएगा, तो ये स्पेलिंग होगी, तो करेक्ट स्पेलिंग कस्टमर है। नेक्स्ट है इंस्टॉल से बना है, इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉल की क्या स्पेलिंग है? आई एन इंस और टी ए डबल एल, इंस्टॉल और प्लस एशन हुआ है ना, इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे डबल एल तो है, इंस्टॉल एशन ये तो सही है, पर डबल टी नहीं है, डबल एल है पर एस आई ओ एन नहीं है, पर यहाँ तो डबल एल नहीं है, तो ये कट जाएगी। नेक्स्ट स्पेलिंग सर्टिफिकेट की है, तो सर्टी में, सर्टिफिकेट में आई नहीं आएगा, है ना, सी के साथ आई नहीं आएगा, और सर्टिफिकेट में सी के साथ आई नहीं आएगा, ये कट जाएगा। और सर्टिफिकेट और फिकेट में यहाँ पे के नहीं आएगा, ये कट जाएगी। और टी आई, यहाँ ये स्पेलिंग ये सही है, सी ई आर टी आई सर्टिफिकेट, एफ आई सी ए टी ई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है हमारी है एडमिशन, एडमिशन की क्या स्पेलिंग है? भाई मिशन को याद रखो, एम आई डबल एस आई ओ एन मिशन, ये सिंगल एस है, यहाँ पे टी आई ओ एन है, यहाँ पे नहीं, तो मिशन को याद रखो भाई, मिशनरी जो है, मिशन उनका क्या था? एडमिशन करवाना, भर्ती करना, ऐड करना, मिशन को ऐड करना, एडमिशन हो गया उनका, ठीक है, इसलिए एडमिशन होना चाहिए उनके स्कूल में, है ना। चलिए यहाँ पर है ओकेजनली, तो ओकेजन से बना है, ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है, दीपावली, तो क्या ओ डबल सी ए और सिंगल एस आई ओ एन, ओकेजन से बना है ओकेजनली, तो ए डबल एल बाई ओकेजनली, तो देखो डबल सी है इसमें, सिंगल सी है ये हट गया, डबल सी ठीक है, मगर डबल एस नहीं, सिंगल एस है इसमें, तो डबल एस है ये हट जाएगा, है ना, और इसमें डबल एल नहीं है नली में, तो ये वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी ओकेजनली। नेक्स्ट स्पेलिंग है सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल की क्या स्पेलिंग है? एस यू डबल सी ई डबल एस और एफ यू डबल एल, तो नहीं आएगा फुल में, लास्ट में डबल एल नहीं आता, तो एफ यू एल आएगा, तो एस यू डबल सी नहीं है इसमें, एस यू डबल सी डबल एस नहीं है इसमें, तो एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू एल सक्सेसफुल। नेक्स्ट है स्पेलिंग कैलेंडर, अब कैलेंडर की क्या स्पेलिंग है? सी ए सी ए सी ओ नहीं, सी ए होता है, एक कट गई, सी ए एल ए एन डी ई आर नहीं, ए नहीं यहाँ पे, ई आएगा, सी ए एल ई एन डी ई आर आएगा, ए एन नहीं आएगा, तो ये हमारी स्पेलिंग हो गई, ठीक है, करेक्ट, कैलेंडर सी ए एल ई एन डी ई आर। नेक्स्ट स्पेलिंग है ऑब्जेक्शनेबल, है ना, तो ऑब्जेक्शन की स्पेलिंग क्या है? ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन, है ना, और एबल, तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्शन और एन ए, है ना, नेबल हो जाएगी ना, ओ बी जे ई सी टी और ए ई एन के बाद ई नहीं आता और यहाँ के नहीं आता, डबल एल नहीं आता, ओ बी जे ई सी टी आई ओ एन ए वी एल ई ऑब्जेक्शनेबल। नेक्स्ट स्पेलिंग है अपलॉजी, अपलॉजी है ना, तो इसमें क्या है? क्षमा याचना वगैरह करना है, अपलॉजी, तो इसमें है ना डबल पी तो नहीं आता, डबल पी कट जाएगा, तीन है अपोलॉजी, पर डबल एल भी नहीं आता लॉजी में, अपलॉजी ए पी ए एल ओ ए पी ओ अपो, हाँ ए नहीं आएगा ओ आएगा, अपोलॉजी। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी एक्सीलेंस, ठीक है, अब एक्सीलेंस ये स्पेलिंग है, देखो ए एन और ई एन सी ई, हम इस बात को हम बहुत समझते हुए इस ए और ई वाली स्पेलिंग को देख रहे हैं। एक तो देखिए कंप्यूटर में आपने वर्क किया होगा एक्सेल में, ई एक्स सी ई एल एक्सेल, और प्लस इसमें करना है हमें एंस, है ना,
ई एन सी ई। एक्सल जो है ये है वर्ब और हमने ई एन सी ई इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ये हो जाएगा एक्सीलेंस। तो अब ये जो एक्सीलेंस है ना ये क्या हो जाती है, ये क्वालिटी है ये एक्सीलेंस। और अगर हम इसमें टी लगा देंगे, इस सी ई को हटा के टी लगा देंगे तो बन जाएगा एक्सीलेंट। तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा नाउन एक्सीलेंट। नहीं सॉरी सॉरी, ये तो है क्वालिटी है ये, पर ये है ना ये नाउन डिनोट, ये नाउन है एक्सीलेंस। और ये जो एक्सीलेंट टी लगा देंगे हम, सी ई को हटा के टी लगा देंगे तो फिर वो हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना। एक्सीलेंट पर्सन, एक्सीलेंस, उसकी एक्सीलेंसी, वो एक्सीलेंट पर्सन है ना। एक्सेल, एक्सीलेंसी उसके अंदर है, एक्सीलेंस है वर्क कैसा है, एक्सीलेंस है ऐसे, है ना। तो ये अब यहाँ पे देखो, जब हम इसमें क्या करेंगे तो ये क्वालिटी है ये, है ना, किसी एक्शन को नहीं दिखा रहा ये, इस किसी एक्सेल होने की, एक्सीलेंट होने की उसकी क्वालिटी है। हाँ तो देखो एक कितनी अच्छी ट्रिक सी समझ में मुझे आई है, ये ए एन और ई एन सी ई वाली, ए एन सी ई वाली और ई एन सी ई वाली, ठीक है। ए एन सी ई में मैंने आपको बताया कि हम उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे जो वर्ब हैं और नाउन बन जाती हैं, और उन वर्ब से जो नाउन ये बन गई तो कोई एक्शन डिनोट होता है। जैसे कि असिस्ट करने वाला, सहायक, असिस्ट से हमने बना दिया असिस्टेंस, ठीक है। असिस्ट से हमने बना दिया क्या, असिस्टेंस, असिस्टेंट। और जिस तरह से गाइड से हमने बना दिया गाइडेंस, तो ये क्या है, ये नाउन है गाइडेंस, जी यू आई डी, है ना, जी यू आई डी ई, और ई नहीं फिर ए एन सी ई लग जाएगी, गाइडेंस ए बन जाता है ना, गाइडेंस। तो और जैसे अभी हमने ऑर्डिनेंस भी देखा है ना, ऑर्डिनेंस। अब तुम मुझे ये बताओ क्या असिस्ट से कोई एडजेक्टिव बनाओ, गाइड का एडजेक्टिव बनाओ, नहीं बन रहा। तो यहाँ एक चीज़ रखो, और दूसरी चीज़ अब देखो, यहाँ पे हम जब ई एन सी ई नाउन के साथ ई एन सी ई लगाएंगे तो जो हमारा सी ई हट के है ना, जब सी ई हटा के हम टी लगाते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। सी ई हटा के हम टी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कोई जो वर्ब है पैदाइशी, जो वर्ड सॉरी, कोई जो वर्ड है पैदाइशी मतलब रूट, वो रूट क्या मतलब ओरिजिन जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। जैसे कि डिपेंड है ना, डी ई पी ई एन डी, डिपेंड, ठीक है। अब हमने इसको ई एन सी ई लगा के डिपेंडेंस बना दिया। अब डिपेंड तो वर्ब थी, ई एन सी ई लगा के हमने डिपेंडेंस जो बना तो वो नाउन बन गया, मगर डिपेंडेंट, डी ई पी ई एन डी ई एन टी, सी ई हटा के एन टी लगा दिया तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ना। तो देखो कितनी अच्छी एक बात समझ में आई इस बात से कि अगर हमें ए एन सी ई हम उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे जिनके वर्ब से एडजेक्टिव नहीं बना सकते, और ई एन सी ई हम उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे जिनसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, है ना। हाँ ऐसा हो सकता है ना। देखिए मैंने ही ये रूल सोचा और मैं ही अगर इसको यहाँ अप्लाई करूँ तो गाइड से गाइडेंस बनता है, पर गाइडेंट तो नहीं होगा, मगर असिस्ट से असिस्टेंस बना है, पर असिस्टेंट तो होता है ना, असिस्टेंट तो होता है ना, है ना, असिस्टेंट तो होता है। खैर इस रूल को, ये जो मैंने कुछ सोचा है, क्या कहते हैं, देखते हैं, बहुत सारे अपवाद हैं इसमें भाई, कुछ समझ में नहीं आता है ना कि कितने याद करें कितने छोड़ दें, पर ये भी एक तरीका है। मैंने बहुत सारे वर्ड्स पर ये देखा है और आप भी देखिए और देखते हैं। तो एक्सीलेंस की स्पेलिंग क्या होगी, तो एक्सेल, ई एक्स सी ई एल, और जब ई एन सी ई हम उसमें ऐड कर रहे हैं एक्सीलेंस में, ई सॉरी ए एन सी ई, क्योंकि ये क्वालिटी है ना एक्सीलेंस, है ना, तो क्या है ए एन सी ई हम इसमें करेंगे तो एक्सिल, तो ये तो नहीं होगा, आई एल नहीं होगा, ई एक्स सी ई होना चाहिए, और ई एक्स सी ई डबल एल, ई एन डबल सी नहीं, ई एक्स सी ई डबल एल ई एन सी ई, एक्सीलेंस।
तो इसमें हमने ई एन सी ई ऐड किया, तो ये क्या बता रहा है, ई एन सी ई किसी क्वालिटी को बता रहा है, एक्सीलेंसी एक्सीलेंस है ना, वर्क कैसा है एक्सीलेंस है, इसमें मतलब एडजेक्टिव जैसा भाव ज़्यादा छुपा हुआ है। आगे स्पेलिंग है ग्रामर, तो ग्रामर की स्पेलिंग याद रखो, दोनों ही तरफ ए ए आएगा, ई नहीं आएगा, कट गया, डबल एम है, जी आर ए डबल एम ए, हाँ डबल एम ए आर, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है वर्ड है इनफर्नल, तो इनफर्नल में ना फार नहीं है, फर है, एफ ई आर, इनफर्नल कोई राक्षस वगैरह राक्षसी इसके लिए। डोर्सली तो ये स्पेलिंग सही है, सम वॉट में एस ओ एम ई आएगा, ई नहीं हटता यहाँ पर, और मैंगोज की स्पेलिंग एम ओ एन जी ओ एस ई, मेमो एन जी ओ मैंग जी ओ ई एस गोज, अरे मैंगोज की स्पेलिंग, तो ये मैंगोज यहाँ ये मोंगूज, मोंगूज ये बन भी हमें मिलते हैं ना, गूज तो सही, फिर एम ओ एन बन जाएगा, और मैंगोज की स्पेलिंग क्या है आप मुझे लिख कर बताएं, ठीक है, मुझे नहीं आती, पता नहीं आती कि नहीं आती। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, बैगाबॉन्ड है ना, तो बैगाबॉन्ड में बी ए जी ई बैगा, बी ए जी ए बी ओ एन डी, इसको याद रखिए बैगा, और ये करेक्ट करेक्ट दिख भी रही है, ई ए नहीं आएगा इसमें, ई नहीं आएगा है ना, बैगाबॉन्ड की स्पेलिंग। नेक्स्ट है मैनर्ड, तो मैनर की स्पेलिंग क्या है, एम ए डबल एन ई आर, एम ए डबल एन, तो इसमें सिंगल एन है, इसमें सिंगल एम है, एन है, एम ए डबल एन ई आर, फिर ई डी लग गया, तो ये गलत, ये सही हो जाएगी। टेरिटरी की स्पेलिंग, तो टेरिटरी ठीक है, तो टी ई डबल आर आई टी ओ आर वाई, टेरिटोरी, और टी ई आर वाई नहीं होगा, ये कट जाएगा, डबल आर होता है, डबल आर यहाँ नहीं होता, तो ये स्पेलिंग तो सही है। प्रिकॉशन सावधानियाँ है ना, तो पी आर ई ठीक है, पी आर आई नहीं होगा, और सी ए यू टी आई ओ एन क्वेश्चन, तो यहाँ ओ नहीं होगा, सी ए यू एस आई नहीं, ये होगा। तो ये हमारा आज का स्पेल चेक, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो ई एन सी और ए एन सी वाला जो रूल है ना, जहाँ क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, नाउन भी बनाते हैं, मतलब दोनों को ही नाउन ही बनाते हैं, पर उस नाउन का भी अगर हम डिफरेंस करें तो फिर हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ तक मैंने बताया, और इस पर मैं और वर्क कर रही हूँ, तो आगे और भी बताऊँगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू।